हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंघी स्टैंड लेकर आई हूँ। इस कंघी स्टैंड में मैंने छोटी वाली नोट्स लगाई हुई है। इसकी वीडियो पहले भी मैंने कंघी स्टैंड की पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बड़ी वाली नोट्स लगा के बताई है। अब की बार मैं छोटी वाली नोट्स बना के बताऊंगी। चले अब कंघी स्टैंड जो मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये मैंने वायर जो है मैंने खिड़की में लपेट के इसको मैंने 2.5 मीटर जो है मैंने लंबा ऐसे बराबर काट लिया है, और फिर इसका सेंटर करके मैंने रिंग में डाल लिया है। अब क्या करेंगे कि इसी में से एक वायर लेके ऐसे एक वायर लेकर हम इसको अच्छी तरह लपेट देंगे। ये मैं आपको लपेट के बताती हूँ। ये मैं आपको अब नीचे नोट्स लगाना बताऊंगी। इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई, पर मैंने वो बड़ी वाली नोट्स लगाई थी, अब इसमें छोटी वाली नोट्स लगा रही हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि कोई चार वायर ले लेनी है, चार वायर ऊपर से और चार वायर उसके नीचे से ले लेनी है। और ऐसे करना है कि ये चार वायर ऊपर वाली और ये चार वायर नीचे वाले। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारी ऊपर वाली वायर है उसको ऐसे हम चलाएंगे और इसको 2 बार हम इसको ऐसे लपेटेंगे। ऐसे लपेटते जाएंगे और इसको खींच के रखेंगे। और फिर ऐसे आगे चार चार हम वायर पकड़ते जाएंगे, और जो हमने फर्स्ट बार 4 वायर लिए उसको हम आगे आगे चलाते जाएंगे और इसके साथ चार चार वायर लपेटते जाएंगे। ऐसे हम चार चार वायर लेकर लपेटते जाएंगे। हर एक में हम जो है चार चार वायर ही लेंगे। ऐसे हमारा जो डिजाइन बन रहा है, हमने एक लाइन जो कंप्लीट कर ली थी, अब हम सेकंड लाइन जो है बना रहे हैं। ये हमारी जो 2 लाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। फिर हम ये 2-3 जो है इसके नज़दीक जो हम उसको पकड़ के रखेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे इसको, फिर हम बनाएंगे। ये हमारी अब 3rd लाइन जो है हम बना रहे हैं। इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे।
ये हमारी अब ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम ये दो तीन नज़दीक वाले जो हम इन्हें पकड़ लेंगे और बाकी हम छोड़ देंगे। ये फिर से हम नेक्स्ट लाइन में हम मिलाते जाएंगे। ऐसे ही मैं आपको नीचे तक बना के कंप्लीट करके बताती हूँ। आप चाहे तो जितना लंबा डिजाइन जो है बना सकती हैं। ये मैं आपको यहाँ नीचे तक लंबा बना के दिखाती हूँ। ये हमारा डिजाइन जो ऐसे बन के कंप्लीट हो रहा है। ये हमने जो है इतना लंबा डिजाइन जो है हमने बना लिया। आप चाहे तो इससे लंबा बना सकते हैं और इससे छोटा भी। अब मैं इसी में से एक वायर लेकर जैसे हमने ऊपर लपेटा है वैसे ही इसको अच्छी तरह कस के ऐसे खींच के अच्छी तरह लपेटेंगे। यह आपको लपेट के दिखाती हूँ। ये हमने अब स्टिच कर लिया है लाइटर से। अब हम ये ऊपर वाली रिंग जो है हम इसे इसके ऊपर हम इससे पाइपिंग करेंगे। तो ये हमने डबल वायर ली हुई है और इससे हम ऐसे ऐसे पाइपिंग करते जाएंगे। ये हमने रिंग को पूरा कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाली वायर जो है हम इसे खोल के बताएंगे। जिसे हमने एक वायर ले ली ऐसे और इस वायर को हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ये हमारी तीन वायर निकलेगी। ऐसे आप फिंगर लगाओगे और ऐसे ऐसे खींचते जाओगे तो आपकी ये वायर जो है खुलती जाओगी। ये हमारी जो है वायर खुल गई, तीन वायर हमारी निकल गई है। अब ये इन दोनों को हम साइड में करेंगे और फिर इस वायर में से फिर तीन वायर निकलेंगी। तो इसे हम ऐसे ऐसे फिर हम फिंगर ऐसे लगाएंगे इसके बीच में और ऐसे हम इसे खोलते जाएंगे। ये हमारी वायर जो ऐसे खुलती जाएगी। ये हमारे वायर जो है ये तीन वायर हमारी इसमें से निकल गई। अब सेकंड वाली वायर जो है इसमें से हम फिर तीन वायर निकालेंगे ये ऐसे, और ऐसे आप फिंगर इसके बीच में डालोगे और फिर इसको ऐसे खींचते जाओगे तो ये हमारी वायर जो है खुलती जाएगी। ये हमारे फिर से तीन वायर जो है खुल गई। यह अब हमारी ये तीसरी वायर है, इसमें से फिर तीन निकलेंगे। ये फिर ऐसे ऐसे हम सारी वायर जो खोलते जाएंगे। इसको खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप ऐसे बीच में उंगली डालेंगे तो ये आसानी से ऐसे खोलती जाएंगे। ये हमारी जो वायर खुल गई है, एक वायर लेनी है उसमें से हमारी तीन वायर निकलेगी और फिर उन तीन में से फिर तीन तीन वायर निकलती जाएगी। ये मैं आपको बाकी खोल के बताती हूँ। जैसे हमने ये खोली है, ये हमने अब कंघी स्टैंड की सारी वायर जो हमने खोल के तैयार कर दी है। अब ये हमारा कंघी स्टैंड देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। Oh, 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 oh